आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको बार बार सर्दी बुखार और जुखाम क्यों होते रहता है। आखिर बॉडी में ऐसा क्या होता है कि आपको बार बार सर्दी बुखार और जुखाम से जूझना पड़ता है। तो यदि आपको कभी सर्दी बुखार और जुखाम हो भी जाता है तो आप दवा दुकान में जाते हो और वहाँ से सर्दी बुखार और जुखाम का टैबलेट्स या सिरप लेकर आप खा लेते हो, मगर ये कभी जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि आपको बार बार सर्दी बुखार और जुखाम होता क्यों है। जो भी आप टैबलेट्स खाते हो सर्दी बुखार और जुखाम का, चाहे किसी भी चीज़ का टैबलेट खाते हो, किसी भी बीमारी का यदि आप टैबलेट खाते हो या उसका कोई सिरप पीते हो, तो इतना तो आप दिमाग में बैठा के रखिएगा, हर दवा का जो भी टैबलेट्स है अंग्रेजी दवा का, उसका कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट होता ही है। बिना साइड इफ़ेक्ट का कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं है। तो आपको सबसे पहले ये पता करना चाहिए कि आपके शरीर में क्यों बार बार छोटा से छोटा बीमारी होते रहता है। जैसे आजकल चल रहा है सर्दी बुखार और जुखाम सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो ये क्यों होता है आपका शरीर में। और कोई भी आप अंग्रेजी दवा के दुकान में जाके दवा लेके खा लेते हो, ठीक हो जाता है, फिर कुछ दिन के बाद आपको फिर से इस बीमारी से जूझना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आप अपने इस बीमारी को दूर कर सकते हो, कभी ना हो जड़ से आप ख़त्म कर सकते हो, कि आपको कभी भी अंग्रेजी दवा खाने को जरूरत ना पड़े। इसके लिए आपको करना क्या होगा कि जब भी आपको सर्दी बुखार और जुखाम हो जाता है तो आप क्लिनिक दवा में जाकर वहाँ से आप टेबलेट लेके ना खाएं। वहाँ से टेबलेट लेके खाने से क्या होता है, ठीक तो हो जाते हैं आप, मगर फिर कुछ दिन के बाद आपको फिर से सर्दी बुखार और जुखाम होता है। तो आखिर यह होता क्यों है, सबसे समझने की बात यह है कि आपको ये क्यों होता है। ये इसलिए आपको होता है कि आपको शरीर में जो है इम्यूनिटी पावर, एक रोग प्रतिरोग क्षमता जो होता है हम लोग का शरीर में, कोई भी बीमारी से लड़ने का जो क्षमता होता है वो आपका कम हो गया रहता है, यानी कि वीक हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए कोई भी आपको छोटा से छोटा बीमारी जल्द से जल्द हो जाता है और उससे लड़ने का शक्ति नहीं मिलता है। तो आप कभी भी आपको सर्दी बुखार और जुकाम होता है तो उसका सबसे रामबाण इलाज होता है जो कि आयुर्वेदिक में है, आपको कोई भी अंग्रेजी दवा खाने का जरूरत नहीं पड़ेगा और आपको पैसे खर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो आप बहुत सारा देखते होंगे, बहुत जगह जंगलों में आपको गिलोय मिल जाएगा, गिलोय के नाम आप सुने होंगे, बाबा रामदेव भी बताते हैं और बहुत सारा मेडिसिन्स आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में आपको ये बताया जाता है गिलोय के बारे में। गिलोय का बहुत ज़्यादा फायदा होता है, बहुत बीमारी में ये गिलोय इसको यूज़ किया जाता है गिलोय को। तो गिलोय आपको जंगल में भी मिल जाएगा। गिलोय का आप किस तरह पहचाने कि कौन सा गिलोय है, गिलोय को अमृता भी बोलते हैं हम लोग कई कई जगह में। गिलोय का आप अगर रोज सुबह और काढ़ा बनाकर पिए, रोज आप सुबह काढ़ा बना के पीते हैं गिलोय का, तो आपका जो इम्यून सिस्टम है, जो रोग प्रतिरोग क्षमता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और आपको कोई भी बीमारी जल्दी नहीं होता है। जब आपका इम्यून पावर जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है तो हर बीमारी से लड़ने का उसको क्षमता मिलता है। कोई भी वायरस आपको बॉडी में अटैक करता है तो लड़ के भगा देता है, उसको नष्ट कर देता है वायरस को। तो आपका इम्यून पावर स्ट्रॉन्ग आप जब कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगा और कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकता है। छोटा बीमारी से ही हम लोग को बड़ा बीमारी होता है। जैसे गिलोय आप खाते हैं, गिलोय का पतंजलि में आपको, हम किसी ब्रांड का प्रचार नहीं कर रहे हैं, गिलोय का आप गोली भी खा सकते हैं, ठीक है। गिलोय का अलग अलग कंपनी में आता है, जैसे पतंजलि का भी सूट चल रहा है तो पतंजलि का आप गिलोय खा सकते हैं, उसका गिलोय घनबट्टी करके नाम आता है, गोली आप रोज एक खा सकते हैं। उसके बाद में यदि आपको गिलोय नहीं खाना है पैसा लगाकर, तो आप गिलोय का जो काढ़ा होता है, काढ़ा भी बना के आप पी सकते हैं। गिलोय का पत्ता इस तरह होता है
और पेड़ इसका इस तरह होता है। आपको आपके गांव में ये बहुत सारा मिलने को मिलता है और आप इसको लेकर खा सकते हैं आराम से, कोई आपको दिक्कत नहीं होगा। इसको आप कंटिन्यू आप यूज़ कीजिएगा रोज़, मानिए कि जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय के जगह में आप इसे गिलोय का काढ़ा बनाकर आप पीते हैं। गिलोय का पत्ता जो होता है, पत्ता या गिलोय का वो जो डंडा होता है, उस डंडा को कूच कर और जैसे आप गरम गोलमरीच डालते हैं चाय में, उसी तरह आपको काढ़ा में पानी डालकर और वो उसको डालकर उसको बना लेना है, काढ़ा बना लेना है। काढ़ा बनाकर उसको आप पीते हैं रोज, तो आपको कोई भी बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा और आपका शरीर में कोई भी वायरस अटैक नहीं करेगा। तो इससे होगा क्या, आपको सर्दी होते रहता था बार बार, वो कभी नहीं होगा, जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप देखिएगा धीरे धीरे कि आपका बॉडी में एक फुर्ती आएगा, जोश होगा, ताकत मिलेगा और भूख भी लगेगा अच्छा, और आपको सर्दी बुखार जुखाम फिर कभी दोबारा नहीं होगा। ये जड़ से आपको ख़त्म हो जाता है लगातार पीने से। आप जैसे चाय आप रोज़ पीते हैं, तो चाय नहीं पी के आप ये गिलोय आप पीते हैं, गिलोय का काढ़ा पीते हैं। यदि आपको गिलोय का काढ़ा नहीं मिल रहा है, गिलोय आपको गांव देहात में तो ये हमेशा मिल जाता है, शहर में है आप नहीं मिलता है, तो गिलोय का गोली भी खा सकते हैं, गिलोय का रस आता है, रस भी आप पी सकते हैं। इससे पीने से ये होगा कि आपको कभी भी बॉडी में इम्यूनिटी पावर का कम नहीं मिलेगा, आपका इम्यूनिटी पावर हमेशा स्ट्रॉन्ग रहेगा, मजबूत रहेगा और कभी कोई भी बीमारी जल्दी आपको अट्रैक्ट नहीं करेगा। गिलोय का और भी बहुत सारा फ़ायदा है, जैसे आप सुनते होंगे कि प्लेटलेट्स कम हो जाता है, तो प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए बहुत सारा हम लोग प्लाज्मा चढ़ाते हैं या बहुत सारा दवा खाते हैं प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए, मगर प्लेटलेट हम लोग का बढ़ता है और फिर घट जाता है। तो प्लेटलेट बढ़ाने का सबसे रामबाण इलाज यही है कि यदि आप गिलोय खाते हैं तो गिलोय से आपको प्लेटलेट भी बढ़ता है, यानी कि आपका 20,000 भी है, 50,000 भी है, प्लेटलेट्स कम से कम 1.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में होना चाहिए। और वो आपको जब 1.5 लाख से कम होने लगता है, तो जब कम होने लगता है तो आप गिलोय जब खाते हैं तो आपका प्लेटलेट्स अचानक से बढ़ने लगता है और आपका प्लेटलेट्स मेंटेन में रहता है। इससे होता प्लेटलेट्स कम होने से यही होता है कि आदमी को कहीं कहीं से खून आने लगता है, यानी कहीं कट जाता है, हाथ उठ में कहीं कट जा रहा है, तो वहाँ से देखते होंगे कि खून बंद नहीं होता है, खून किसी को देखते होंगे कि बंद नहीं होता है, तो उसी को हम लोग प्लेटलेट्स बोलते हैं। आप बहुत आदमी को शरीर में देखते होंगे जिसका शरीर हाथ में कहीं क्रोच लग जाता है या कट जाता है या कहीं भी शरीर में कट जाता है, तो खून बंद नहीं होता है। तो क्यों नहीं बंद होता है, प्लेटलेट्स कम होने के कारण उसके शरीर में खून बंद नहीं होता है। प्लेटलेट्स क्या काम करता है कि आपका खून जहाँ से कट जा रहा है या कुछ भी हो जा रहा है तो खून बंद कर देता है, प्लेटलेट्स वहाँ से खून को बंद करने के लिए उसको उपयोग किया जाता है। प्लेटलेट्स से आपका खून बंद होने का सबसे अच्छा कारण होता है कि प्लेटलेट्स आपका बॉडी में अच्छा है तो कहीं भी कटेगा तो खून निकलेगा मगर ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जिसका कम होता है जैसे 20,000-30,000 होता है तो उसका कहीं भी कट लग जाता है तो उसका जल्दी खून बंद नहीं होता है। तो गिलोय का बहुत ही अच्छा फ़ायदा है और इसमें कुछ पैसा भी लगाना नहीं है और ये आयुर्वेदिक इलाज है, आयुर्वेदिक बुक में लिखा हुआ है और बहुत सारा बाबा रामदेव हो गया और भी राजीव दीक्षित हो गया, ये लोग भी बताते हैं कि जब आप गिलोय खाते हैं तो आपको बहुत तरह का फ़ायदा होता है। जैसे स्किन डिजीज़ भी होता है, किसी को खुजली होता है, रैसेस होता है बॉडी में, तो वो भी आपको कभी नहीं होगा, वोमिटिंग नहीं होगा आपको, कभी सर्दी बुखार सर दर्द जुकाम ये सब नहीं होगा, छोटा छोटा बीमारी, आपको प्लेटलेट्स का कभी कमी नहीं होगा, आपका जो पाचन शक्ति है पाचन शक्ति को ठीक करता है और आपको ये जो स्किन को एकदम ताज़ा रखता है और अच्छा रखता है और ये कभी आपको बीमार होने नहीं देता है क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम मजबूत है, एकदम स्ट्रॉन्ग है, तो आप कोई भी बीमारी से जल्दी नहीं झूलेंगे आप। तो इसको आप ज़रूर एक बार इस्तेमाल करें, बीमारी आपको हो या ना हो आप गिलोय का काढ़ा ज़रूर बना के पिए कि आपको फ्यूचर में कभी बीमारी ना हो छोटा से छोटा। यदि आपको ये वीडियो कारगर लगा तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा कि दूसरे भी आदमी जब इसको देखे तो उससे इसको कुछ लाभ हो। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।